धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया और इस मौके पे चौका कैसे होगा तो मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया तो जिन्होंने इतनी मुबारक बातें दी तो उनको भी दो चार मुबारकें हम भी दे दें। उस मुबारक पे एक मैं बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लॉ उसकी अभ्यास विशारद यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी महिलाओं के लिए सब तंग आ गए हैं पहली शादी में, ये मैंने देखा। लेकिन जब वो मुबारकबाद दे रहे हैं मुझे एक बात का इल्म हो रहा है कि समझो ये मुबारकबाद हम सबको दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे चचा हैं जो चिल्ला रहे थे, यहाँ पे बैठे हम सब हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, कल जाके गलती से आपके परिवार में, एक खुशहाल परिवार में उस बेटी को व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया आपकी बहू बेटी को, तो आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए हम दुख पैदा करेंगे? इसका मुबारकबाद का अर्थ क्या होता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब हम बात करते हैं, मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है, मैं खुद मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ अध्यक्ष महोदय, तो अंग्रेजी हम एक 10वीं 12वीं साल के होने के बाद सीखते हैं, तभी ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे। मैंने एक बार अपने पिताजी को आके पूछा कि बाबा ही और शी हाउ इज इट प्लेस, अभी छोटी थी कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ही पुरुष होता है और शी महिला होती है। मैंने लेकिन ही और शी क्यों होता है, कि कहते हैं ही तो पुरुष होता है लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियर टू ही वो महिला सी होती है, ये मेरे पिताजी ने सिखाया है और इसी विचारधारा को हम लेके चलते हैं। और इसी बात में मुबारकबाद में देना चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को कि उसी सुपीरियर टू ही को वो ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये बिल लाया है। विवाह पद्धति के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, आप उसको बिजनेस कहते हैं क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे विवाह में एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को वो कोई भी धर्म हो जात हो, हर वक्त एक पुरुष और महिला जब शादी करते, वो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, इन सिकनेस इन हेल्थ आई एम विथ यू, जब मैं शादी कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं तो हर सात सवालों पर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये विचार लेके हम चलते हैं। और मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूँ कि इसी पद्धति को हर किसी को उस ताकत के रूप से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। धर्म की परिभाषा हर कोई अपने रूप से बता सकता है, धर्म की परिभाषा अपने रूप से कोई भी उसको आगे ले जा सकता है, लेकिन धर्म की परिभाषा के साथ जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की परिभाषा भी धर्म के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आज समाज बदल रहा है, समाज ये विचार कर रहा है कि जिस रूप से भारत देश आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, हमें हमारे धर्म के विचारों में भी कहीं ना कहीं जाके बदलाव लाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस धर्म से मैं आ रही हूँ हमने भी बदलाव लाया, उस बदलाव पे विषय भी चले, सती की प्रथा हो, वो चाइल्ड मैरिज हो, वो कोई भी विषय हो, उसमें भी समाज की सुधारक उस विचारों को, उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए समाज सुधारक आगे बढ़ रहे थे और उस समाज सुधारकों ने इसको आगे बढ़ के 1956 में हमें भी डिवोर्स के लिए वो ताकत मिली कि ऐसे कुछ नहीं कि पति तुमको कहे तो तुम एक दूसरे पत्नी को छोड़ दें, लेकिन पत्नी चाहे तो वो भी लड़ सकती है। ये ताकत हमें हमारे समाज में कानून ने दी है। कानून यही कहता है कि समानता हर किसी को चाहिए। कानून ये भी कहता है, गांधी जी के 3 बंदर हम कहते हैं कि बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए और बुरा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कानून ने समाज में हमें ये सिखाया है कि बुरा हो तो उसे सहना भी नहीं चाहिए और उस सहने के खिलाफ हम सब हैं। 21वीं सदी में मंगलयान चल रहा है, आज इसरो की सबसे ज्यादा साइंटिस्ट महिलाएं हैं और अभी भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक दे दिया तो चल जाएगा, कुछ नहीं होता, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मुझे दुख यह होता है कि यहाँ पे महिला सांसद हम सब बैठे हुए हैं, हम प्लेन में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं जाना चाहते हो तो बाद में तय करेंगे, हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून तलाक का, ट्रिपल तलाक का बना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को सर झुका के सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी मेरी महिलाएं सांसद बैठी है, मुझे अच्छा लगा कि अपने भाइयों के लिए वो लड़ रही है कि भाई जेल कैसे जाए, भाई ऐसे कैसे जाएगा हमारा जेल, ये आप समाज सुधार के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरे भाइयों के खिलाफ बात कर रहे। लेकिन मेरे सदन में यही प्रश्न करना है, जब अपने घर की बहू बेटी पे कोई SMS पे कहेगा कि तुमको हमने तलाक दे दिया, उसको रास्ते पे ले आएगा, तो उस रास्ते पे आने वाली लड़की के लिए ये गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ चुप रहे, या हम चाहे कभी भी अपनी बहू बेटी पे कोई आग भी उठा के खड़ा रहता है तो हम कहते कि हम खुद छोड़ेंगे नहीं, तो क्यों हम ये कानून नहीं बना सकते कि जो ये करेगा पहला दूसरा तीसरा जेल में जाएगा लेकिन चौथा पांचवा सोच के बोलेगा तलाक बोलूं या ना बोलूं, इसलिए कानून बनाया गया है।
इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है इस बिल की कि खाने में नमक नहीं है, तलाक तलाक तलाक, तुम्हारे मुझे दांत ठीक नहीं लगते, तलाक तलाक तलाक, ये कहानी है, आप पढ़िए। तुम्हारी मुझे शक्ल पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक, मुझे पांच और औरतों की शक्ल पसंद है, जैसे एक ही शादी एक बार जन्मों का रिश्ता नहीं होता से कहा जा रहा है यहाँ पे, तो पांच औरतों की शक्ल मुझे पसंद है, तो तलाक तलाक तलाक, ये तलाक है या मजाक है? महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलना और उस प्रताड़ना पे हम सब ने उस पर मजाक करना, ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है। और इसी कानून को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। रिफॉर्म इज ऑल अबाउट सोसाइटी, हम यहाँ पे बैठे हुए सोशल रिफॉर्मर्स भी है, जैसे हम कानून बनाते हैं उस कानून के रूप से सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए। हमारा सिर्फ काम ये नहीं कि कानून बनाते रहे, हमारा काम है उससे आने वाली जनता को, समाज को हम आगे बढ़ाएं। इसी सदन से ही अपेक्षा करती हूँ मैं, इतना ही माननीय मंत्री जी को कहना भी चाहती हूँ कि मंत्री जी आप एक दो लोगों की बात न सुनते हुए जो आपको मुबारकबाद दे रहे, उन 10 लाख महिलाओं की बात सुनिए जिन्होंने आपको पिटीशन साइन करके दी थी। वो हर एक मेरी मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे तुम रास्ते में फेंक नहीं सकते। और यहाँ पे कानून बताए जा रहे हैं, इस कानून को तो समर्थन दीजिए। हर वक्त प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से, ये कानून उस रूप से प्रिवेंशन है और इस प्रिवेंशन को हमने समर्थन देना चाहते हैं। मैं इसमें थोड़े बहुत सजेशन भी करना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। मैं पुरुष सांसदों को यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हिंदू परिवारों में दहेज का मौका था, दहेज अभी क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, दहेज कोई भी मांगे तो हम उसको जेल में पूरे परिवार को, लड़के को नहीं उसके पूरे परिवार को भेज सकते हैं। तो किसी मुस्लिम पिता को ये लगेगा कि उसकी बेटी को बोला जाए कि तुमको हम दहेज तो लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं रखेंगे? तो इस रूप से यहाँ पे बैठे हुए सारे पिता ये सोचते नहीं, ये प्रताड़ना अपनी बेटी बहू के आप देख नहीं सकते? ये विषय पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये एक इमोशनल समाज के रिफॉर्म का विषय है और इस विषय को देखना बहुत जरूरी है। मैं इसमें सजेशन भी लेना चाहती हूँ कि आदरणीय मंत्री जी की एक्ट में जो पेंडिंग केसेस बहुत सारी पहले पड़ी हुई है, आप इसको एक्ट में लेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस सुपीरियर ही के बारे में हम बात करें, उस धर्म, उस सुधार, उसके लिए जहाँ हम खड़े हैं, उसी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब करोड़ों उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शौचालय दिया, तब ये सोच के दिया था कि ये मेरी मुस्लिम बहन है, मेरी हिंदू बहन है, मेरी ये बहन है, मेरी वो बहन है? नहीं, महिलाओं को कभी भी आप जाति और धर्म में बांट नहीं सकते, महिला का सम्मान धर्म वो और उसका परिवार होता है, और आप ट्रिपल तलाक देके उसको उस परिवार से दूर करोगे तो आप सबसे बड़ा गुनाह और पाप कर रहे हो। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये अनपढ़ जगहों पे होता है, ट्रिपल तलाक गांव में कहीं जाते तो वहां पे होता, तो नहीं होता है। आपने और जयपुर की आफरीन की कहानी सुनी होगी, एमबीए की बेटी की, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, पढ़ी लिखी लड़की पति ने छोड़ दिया और ट्रिपल तलाक दे दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो अवसर दिया है, ये सौभाग्य हमारा कि इस अवसर को हम आगे ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव के बाद इस सरकार को वुमेन लेड डेवलपमेंट सरकार बनाया है कि महिला आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए समानता का कानून बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी मैं अध्यक्ष जी, एक खौफ था सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, एक खौफ था सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, जो साथ छोड़ दे हम सफर मेरा कहकर तलाक बिद्दत के वो तीन बोल, जो साथ छोड़ दे हम सफर मेरा कहकर तलाक बिद्दत के वो तीन बोल, तू क्या देगा तलाक कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर, ये बिल आ जाए उस पे वो महिला कह रही है कि तू क्या देगा तलाक कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर, सदियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है, आज पहली बार मुझसे मिलवाया है, ऐसी वो मुस्लिम बहन बोल रही है। शाहबानों की तकलीफ की खाक से शायरा बानों ने एक चिराग सुलगाया है, और उस चिराग के साथ हर एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े रह के आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसको उससे मिलवाया है। और मैं आदरणीय मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बिल सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नहीं है, पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखाने का है कि हम सब
सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ में लेके, महिलाओं को सम्मान देके, महिलाओं को आगे बढ़ा के, नारी तू नारायणी, ये सिर्फ विचारधारा नहीं है तो हम करके दिखाते हैं, ये करके हम बिल को आगे बढ़ाएं और उसका मैं समर्थन देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।